हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास से संबंधित जो जो एमसीक्यू मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी विविध प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम सारगर्भित तरीके से एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ रहा है, जिसमें हमें डिस्कस करना होगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भारत के इतिहास को समझने के लिए, और भारत के इतिहास को हमें कितना डीप में पढ़ना है, कितने क्वेश्चन इस पोर्शन से हमारे लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए हम कई बुकों को पढ़ने लगते हैं, लेकिन जब हम सामान्यतः देखते हैं तो क्वेश्चन उन्हीं बुक से आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और हम ज़्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको भी गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। ये प्राचीन भारत का इतिहास है और इसको हम डिस्कस करेंगे। और मेरा नाम है अमित बर्दिया और मैं CTO पद पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2020 में सेलेक्ट हुआ हूँ और साथ ही साथ फॉरेस्ट रेंजर के पद पे भी चयनित हुआ हूँ। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विगत वर्षों में MPPSC ने भारतीय इतिहास से किस किस प्रकार के, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं और कैसे किस 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 टाइप के क्वेश्चन MPPSC द्वारा पूछे जा रहे हैं और किस पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस पूरे के पूरे परीक्षा में भारतीय इतिहास का कितना महत्व है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो हम यदि देखें तो अभी तक के हमारे पास जो डेटा है 2022 से लेके 2005 का डेटा है, लेकिन हमें 2022 से 5 से 22 के डेटा का अध्ययन नहीं करना है। हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए, हमारा पूरा फोकस रहेगा 2014 की PSC तक के डेटा पे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हम देखते हैं कि 2022 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, वो आए हैं हमारे 11 क्वेश्चन। यदि इसको हम मोटा मोटी अध्ययन करें, यदि हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं, यहाँ समझाते हैं, यदि पूरा का पूरा MPPSC के पेपर के बारे में अध्ययन किया जाए तो इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन MP से आते हैं। MP में भी MP का कल्चर और MP का इतिहास इसमें बहुत मोस्ट है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका MP वाला पोर्शन है, इतिहास वाला पोर्शन, इतिहास में यदि आप 2014 से लेकर 2022 तक के इतिहास पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप 10 से लेकर 16 क्वेश्चन तक आपके भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके, ये 15 तक भी वेरी कर जाते हैं कभी कभी, इसमें राज्य व्यवस्था और प्लस आयोग, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सेम टू सेम अन्य पोर्शन से लगभग 10 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा फोकस पूरा का पूरा भारतीय इतिहास में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 10 से 16 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और हल्के में भी नहीं ले सकते हैं इस पोर्शन को। इस पर हमें कम से कम हमारा टारगेट रहना चाहिए 16 क्वेश्चन में से 10 या 12 क्वेश्चन बनाने का हमारा टारगेट होना चाहिए, तब जाके हम MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर मेंस तक पहुँचेंगे। आइए, तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत है हमारा, इसमें यदि पूरा का पूरा भारत पर विचार किया जाए तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2022 में आपके 11 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में आपके 9 क्वेश्चन आए हैं, और 2020 में 8 आए हैं, उसके बाद 9 आए हैं, 7 आए हैं, 14 आए हैं, देखो 16 भी आए हैं, 10 क्वेश्चन आए हैं, मिनिमम क्वेश्चन ये यहाँ पे हैं, ये आपके 18 में और 16 में कम क्वेश्चन आए हैं, और 14 में, और ये देखिए आपका 20 में, 21 में और 22 में, देखिए क्या कितना वेटेज आ रहा है। तो लगभग मोटा माटी हम कह सकते हैं 10 से लेके 16 क्वेश्चन हमारे भारतीय इतिहास से पूछे जा रहे हैं, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
और जब हम इनको सेक्शन वाइज ध्यान देते हैं तो आप देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसमें भी जो है पिछले साल के पेपर पर नज़र डालें तो टोटल 11 क्वेश्चन आए थे और 11 क्वेश्चन में से जो प्राचीन भारत से थे वो 2 क्वेश्चन थे और आपके मध्यकाल से 4 थे और आधुनिक काल से 5 थे। और उसी तरीके से यदि हम देखें तो 2022 में प्राचीन भारत का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि हमें कम पढ़ना है या इस पोर्शन को कम ध्यान देना है, क्योंकि आप नज़र डालेंगे तो मध्यकाल से 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन, 4 नहीं है बेसिकली, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे प्राचीन भारत से 2021 में। तो इस प्रकार हम ध्यान देते जाएंगे, 4 पूछे गए हैं, 2 पूछे गए हैं, 5, 1, 4, 3, 3, 3, तो लगभग हम कह सकते हैं 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे जा रहे हैं। और आप यदि ध्यान देंगे तो प्राचीन भारत से आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं 5 में से 4 क्वेश्चन सरल होते हैं, 1 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, वो थोड़ा पेपर को सेट करता है, उनको अपना ईगो सेटिस्फाई भी करना पड़ता है उधर, तो ये होता है। और ये पेपर आप जब देखोगे ना, देखो जो भी टीचर होता है या जो पेपर सेट करने वाला होता है, आप जब ध्यान देंगे इसमें, मतलब ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात नहीं थी, इसमें आप यदि ध्यान देंगे तो पेपर का एक वो होता, पेपर का एक सेटिंग होती है, कैसे सेट होता है पेपर पूरा का पूरा, लगभग आप पूरे पेपर पर नज़र डालें तो 60 से 70% पेपर सरल आएगा। फिर उसके बाद जो पेपर आएगा लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो थोड़ा सा आपको लॉजिकल रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना पड़ जाता है कभी कभी। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके टफ क्वेश्चन होते हैं जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाते हैं, लेकिन हमें उन 10 क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे, 1 क्वेश्चन जो होगा वो आप पे शायद हो सकता है नहीं बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो भी बने आप पे, क्योंकि ये क्वेश्चन हायर क्वालिटी में चला जाता है, हायर स्टैंडर्ड में चला जाता है। तो हमें बेसिकली 4 क्वेश्चनों पे ध्यान देना है, 1 क्वेश्चन पे अपन हम ध्यान नहीं देंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं आगे का क्या है, ये इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और आइए सीधा एमसीक्यू के माध्यम से ही डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है और इसमें हमें एक चीज का ध्यान देना है कि क्वेश्चन देखते ही हमें हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देना है। सबसे पहला हमारा जो ध्यान रहना चाहिए कि हमें अपना क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, उसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन का ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन आपको उन उन बिंदुओं पर फोकस करना है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस बिंदु पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है कि एक पॉइंट के कारण आपका सारा का सारा आंसर गलत हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। अब आप देखिए, अब यदि आप देखिएगा यदि नहीं पे ध्यान नहीं जाता तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सीधा देखते और अजंता या बाघ में से जहां पहला दिखा आप लगा के आगे बढ़ जाते कि हमारा क्वेश्चन तो सही है और 2-3 आंसर की से अपने आंसर भी मिला लेते और बोलते हमारा हुआ नहीं जाने कैसे। तो इस पर ध्यान नहीं देना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, नहीं है इसको अंडरलाइन करना है नहीं पे, और या आप नहीं को अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो गोला कर लीजिए, मन में कर सकते हैं, वहाँ पेपर पर नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा उनके रूल्स होते हैं, आयोग के रूल्स हैं, उस पर आप पेपर पर कोई भी लिखावट का यूज नहीं कर सकते। तो इसका क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं नहीं हैं। तो चूंकि हमें पता है कि अजंता में बौद्ध गुफाएं हैं, आपको भी पता है, और बाघ जो मध्य प्रदेश में ही है, धार जिले में अवस्थित है, इसमें भी बाघ की गुफाएं हैं, लेकिन जब आप सांची पे जाएंगे तो सांची का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सांची में हमने जितनी बार भी सांची को पढ़ा है उसमें हमें बौद्ध स्तूप के बारे में तो पता चला है, लेकिन हमें यहाँ की गुफाओं के बारे में हमें कोई अध्ययन करने को नहीं मिला है। तो हमारा आंसर क्या है, सांची इसका आंसर है, लेकिन चूंकि एमपीपीएससी ने इस बार इसके 2 आंसर माने हैं, सांची और बलसार, यहाँ दोनों जगह ही बौद्ध गुफाएं नहीं पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा सांची के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सांची क्या है,
सांची मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? रायसेन, रायसेन जिले में स्थित है। इसके साथ साथ आप भी रिवाइज करते जाइए कि कौन कौन से फैक्ट हम इसमें जोड़ सकते हैं, ताकि कि आपको अलग से पढ़ना ना पड़े और सांची के बारे में पूरी जानकारी यहीं पे आपको, या मान लो आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकें इसके बारे में। तो ये रायसेन में अवस्थित है। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है, स्तूप है। स्तूप बनवाया किसने था? ये अशोक महान ने बनाया था। किसने बनवाया था? मौर्य साम्राज्य के महान शासक हैं ये अशोक महान, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इस पर भी एक और विचार किया जाए तो जो सांची का बौद्ध स्तूप है वो हमारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, विरासत स्थल में भी हम काउंट करते हैं, और ये कौन करता है? यूनेस्को। तो इतने फैक्ट के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और ये अब अजंता की गुफाओं के बारे में भी हम देखें तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं आपकी? अजंता की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र के कहाँ पे हैं? औरंगाबाद, औरंगाबाद में, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी गुफाएं मिलती हैं? लगभग यदि हम देखें तो 29 गुफाएं मिलती हैं, और 29 की 29 गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये 29 की 29 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है हमारी, और इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और इनमें क्या मिलते हैं हमें? चैत्य मिलते हैं, बिहार मिलते हैं। चैत्य वो स्थल होते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं या आराधना करते हैं, और जो बिहार होते हैं वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए निवास करते हैं ऋतुकालीन, तो वो बौद्ध बिहार बनाए गए हैं। और बाघ की गुफाओं के बारे में आप जानते ही हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं आपकी? धार जिले में हैं, और धार जिले में हैं, और ये टोटल 9 गुफाएं हैं, और ये बौद्ध क्या बोलते हैं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। चाहे अजंता की गुफा हो चाहे बाघ की गुफा हो, ये दोनों ही गुप्तकालीन गुफाएँ हैं। और इसमें भी बाघ की गुफाओं में हम देखेंगे गुफा नंबर 4 इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। गुफा नंबर 4 इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो पेंटिंग है इसमें एक रंग महल टाइप का उसको संज्ञा दी गई है, इसलिए ये फेमस है इस गुफा के। इन गुफाओं के अलावा यदि आप और गुफाएं करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो अजंता के साथ साथ 2 गुफाएं और फेमस है हमारे यहाँ पे, 2 गुफाएं हमें कौन सी पढ़नी पड़ेंगी और सारी? इसमें आप एक पढ़ लेना, एलोरा की गुफा, एलोरा एक पढ़ना है आपको। कौन सी गुफा? एलोरा की गुफा। ये गुफा भी कहाँ पे? ये गुफा औरंगाबाद में ही महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसको भी यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। बस इस गुफा की ये खासियत ये है कि इस गुफा में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित एक गुफा है। और इसमें एक और सबसे अच्छा क्वेश्चन हमेशा कभी कभी बन जाता है कि इसमें एक कैलाश मंदिर पाया गया है। चट्टानों को काट के एक कैलाश मंदिर बनाया गया है। जो ये कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा की गुफाएं भी पाई जाती हैं। एलिफेंटा क्यों कहते हैं? एलिफेंटा की मतलब एलिफेंट जैसी आकृति पाई गई थी गुफा के बाहर, इसलिए जिस अंग्रेज पुरातत्व या जिस इतिहासकार ने इसको खोजा था उसको एलिफेंटा की गुफाएं कहा गया था। ये मुंबई के जो एक द्वीप है वहाँ पे ये पाया गया है। तो इस प्रकार के हमने कुछ कुछ तथ्य इस क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं। तो एक क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चला है कि आगामी पेपर में यदि हम जब पढ़ने जाते हैं तो हमें खाली बौद्ध गुफाओं पर ही फोकस नहीं करना है, हमें अजंता के साथ साथ हमें एलोरा पढ़ना है, एलिफेंटा पढ़ना है, बाघ की गुफाएं भी पढ़ना है और उदयगिरी की गुफाएं भी पढ़ना है जो विदिशा जिले में है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और इस क्वेश्चन में इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन लोगों पे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में डिस्कशन दिया गया है कि ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में अवस्थित है, रायसेन जिले में अवस्थित है। और ये सांची बौद्ध स्तूप है, किसी प्रकार का कोई गुफाएं यहाँ नहीं पाई जाती हैं। और मौर्य सम्राट
किसने, अशोक ने तीसरी शताब्दी में इसको बनवाया था, तीसरी शताब्दी बीसी लिखते हैं इसको, ईसा पूर्व। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक, तोरण अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है कहाँ है, ये कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, काय से संबंधित, मतलब किस चीज से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस बोधि वृक्ष का संबंध एक फैक्ट और आता है जिसके बारे में मैं बाद में इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्तूप, किस स्तूप के बारे में बात चल रही है, ऐसी जगह की बात चल रही है जहाँ पे स्तूप है वहाँ एक तोरण है, उस तोरण पे दो रानियों और अशोक का बोधि वृक्ष के जब वो वहाँ गए थे तो उसका अंकन किया गया है, ये कहाँ बताया गया है। तो इसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, सांची के स्तूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार का स्तूप होता है, यहां ये तोरण द्वार होता है ऐसे करके, और यहां पे ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम में थोड़ा अंतर आ रहा है लेकिन इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो तोरण द्वार है इस पे अंकन किया गया है, तो वो कौन सा स्तूप है और उस स्तूप का कौन सा मतलब तोरण है, तो ये जो आता है इसका सांची इसका आंसर है सही। और भरहुत का इसलिए नहीं आता है क्योंकि भरहुत के जो स्तूप हैं उसके हमें अवशेष प्राप्त हैं, तो पूर्णतः उस पर क्या अंकित है उसके बारे में रिसर्च चल रही है, लेकिन पूर्णतः जो हमारे बारे में है, जो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को फुलफिल करता है सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप महाराज अशोक ने बनवाया था, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की कई ग्रंथों में अशोक की चार रानियों को माना गया है, जिसमें से एक रानी जो विदिशा जिले से थी और वो वैश्य समुदाय से संबंधित थी, उनको श्रीदेवी कहा गया है। कौन है वो, श्रीदेवी। बाकी तीन रानियां और हैं, और आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यही सब है कि रायसेन जिले में है, सांची का स्तूप है, तोरण द्वार है जिस पर बोधि वृक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। एक फैक्ट मैं भूल गया था, मतलब बात का बाद में बताने का मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बोधि वृक्ष का नाम आता है यहाँ पे, बोधि वृक्ष के साथ एक तथ्य ये जुड़ा हुआ है कि बंगाल के शासक थे शशांक, तो शशांक ने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, तो ये शशांक का नाम भी यहाँ पे आ जाता है। और एक और यहाँ से हम लोग फैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं कि भरहुत के स्तूप के बारे में कहा जाता है कि इसे पुष्यमित्र शुंग ने, किसने, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनवाया गया था। कहां प्राप्त हुआ है, सतना जिले में प्राप्त हुआ है। और सांची का तो आपको पता ही है, सांची कहां पे, रायसेन में है। विश्व विरासत स्थल भी है, और G20 की जो मेंबर आए थे वो यहां पे घूमने भी गए थे। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा प्रीमियम बैच है जो MPPSC प्रीलिम्स को लेके ध्यान में रख के बनाया गया है, और ये 25 सितंबर से प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा जो भूपेंद्र सर हैं वो इसकी क्लासेस ले रहे हैं, इसके अलावा निधि मैम हैं और सत्यम जाट सर मध्य प्रदेश इतिहास एवं संस्कृति के बारे में लेक्चर ले रहे हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो सबसे पहले तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्या है, हमें इसमें ये चीज की जानकारी लगानी है कि सिंधु से जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, मुहर कुछ इस टाइप की हुआ करती थी, इसमें मुहर में कोई ना कोई वृक्ष की आकृति के बारे में उन्होंने पूछा है। वो आकृति कौन से वृक्ष की आकृति हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो जब हम इसका सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक मुहर हमें प्राप्त हुई है, उस मुहर पे पीपल का पेड़ बनाया गया है, और पीपल के पेड़ पे यहाँ पे एक देवता को बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति घुटनों के भर इनको नतमस्तक कर रहा है।
तो इससे ये प्रतीक हो रहा है कि ये मतलब ये पीपल का पेड़ है हालांकि, तो इससे ये पता चल रहा है कि उस सभ्यता में पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया होगा और जिस पे ये संबंधित व्यक्ति साष्टांग प्रणाम कर रहा है या घुटनों के भर झुक के प्रणाम कर रहा है। इसके अलावा कई और मुहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं जिसपे हमें एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, मूर्ति नहीं सॉरी चित्र का अंकन किया गया है जिनके तीन सिर और तीन सींग के बारे में बताया गया है, जिनकी तुलना भगवान शिव या यानी पशुपतिनाथ जी से की जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, पीपल। पीपल वो वृक्ष था जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र वृक्ष था और यहाँ की मुहरों पर पाया जाने वाला जिसका अंकन किया गया है वो है पीपल। आइए आगे बढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु नदी के दोनों ओर ये सभ्यता थी तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ मोहनजोदाड़ो है आपकी, और ये भारत का नक्शे की बात करें तो ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है इसको यहाँ मिटा देते हैं ऐसे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर रावी नदी है, यहाँ ये जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है, यहाँ हमारा कालीबंगा है ये राजस्थान के आसपास, यहाँ पर लोथड़ है हमारा और चहुदड़ो है यहीं पर, और यहाँ पर एक हमारा हरियाणा के आसपास बनावली भी पाया जा रहा है जहाँ से सरस्वती नदी के बारे में अभी डिस्कस चल रहा है उसके बारे में। तो इतने सारे फैक्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपतिनाथ के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना और आपका जो बृहद स्नानागार होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, लोथड़ के बारे में भी पढ़ना है, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ना है। ये एक थोड़े से इम्पोर्टेंट स्थल होते हैं इनके जिन पर आप ध्यान देते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर ध्यान देना है, आप सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ नहीं सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं। और आप ये देखिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई विशेष बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मोहरों की उर्वरता देवी और मातृशक्ति की प्राप्त मातृशक्ति की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, तो यहाँ पर हमें उर्वरा देवी और मातृशक्ति की मूर्तियों का अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब ये हो गया कि इसके पहले वो कोई भी मतलब इसके पहले वैसी विशेषता देखने को हमें नहीं मिलती है, इसलिए अद्वितीय शब्द का यूज किया गया है। और प्रशासनिक प्रणाली का यूज यहाँ पर ग्राम स्वायत्तता के विकास में किया गया है, मतलब ऐसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें ग्रामीण स्वायत्तता हमें देखने को मिलती है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन उल्लेख किया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि ऐसी कौन सा साम्राज्य था जिसके यहाँ पर ग्रामीण स्वायत्तता थी। स्वायत्तता, ग्रामीण स्वायत्तता का मतलब यहाँ पर पंचायती वर्तमान समय की पंचायती राज व्यवस्था से है, जहाँ पर वहाँ के लोगों को ही वहाँ के शासन को संचालित करने का अधिकार था ग्राम स्तर पर। तो यहाँ पे जब आप प्राचीन भारत में नज़र डालेंगे तो आपको एक वंश दिखाई देगा चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य का जो सबसे छोटा जो प्रशासनिक केंद्र था या प्रशासनिक बिंदु था या प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्रामों में सबसे अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती थी, वहाँ पे स्वायत्तता थी। जिस प्रकार आज पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है उस प्रकार बहुत पहले चोल साम्राज्य द्वारा लागू कर दी गई थी, हालांकि इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग था लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनको चोल साम्राज्य को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक फिर उसके बाद जो अंग्रेज आए उनमें से कुछ लोगों को माना गया है, लॉर्ड रिपन को माना गया है, ठीक है। तो चोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा चोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी या जो इसके संस्थापक थे वो थे विजयालय। कौन थे? विजयालय
विजयालय। और इनके जो शक्तिशाली शासक का एक शक्तिशाली शासक का नाम आता है, उनका नाम है राजेंद्र। राजेंद्र बहुत ही पराक्रमी शासक रहे हैं। इन्होंने यदि पूरे दक्षिण भारत पर नज़र डाली जाए तो चोल साम्राज्य पहले कुछ यहाँ तक सिमटा था, लेकिन चोल साम्राज्य ने अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा और नौसेना के बल पर न केवल दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका और श्रीलंका के साथ साथ यहाँ के जो देश थे उन सभी को विजित करके चोल साम्राज्य के अंदर मिलाया था। इसी कारण यहाँ पर भारतीय संस्कृति का विकास हमें देखने को मिलता है, चाहे इंडोनेशिया हो और आपका इंडोनेशिया हो गया, आपका ये यहाँ पे क्या आता है मलेशिया हो गया, यहाँ के जो देश हैं टापू नुमा देश हैं वहाँ पे हमारी संस्कृति का विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम क्या देखेंगे, जो यहाँ पे ग्रामीण स्वायत्तता थी इसके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है चोल साम्राज्य का एक अभिलेख है जिसको कहते हैं उत्तर मेरु अभिलेख। कौन सा? उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, प्रांतक इससे संबंधित हैं, ठीक है। इसमें जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसमें उर का संबंध है, उर सभा और महासभा जैसे नाम हमें आते हैं, या महासभा, ठीक है। तो इतने फैक्ट हमारे लिए काफ़ी हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ दक्षिण भारत कुछ इस प्रकार बनाते हैं। दक्षिण भारत में यदि हम नज़र डालें तो यहाँ चोल साम्राज्य के बारे में हमें डिस्कस पढ़ने को मिलता है। यहाँ के आसपास चेर साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ पे पांड्य साम्राज्य, और यहाँ पे इनके आसपास थोड़ा सा इधर पल्लव साम्राज्य मिलता था। तो चोल साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, इनका प्रतीक चिन्ह शेर या बाघ, जो भी बाघ इनका प्रतीक चिन्ह था। इनका क्या था? धनुष। इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और जो पांडे थे, पांडे का जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह था मछली, ठीक है। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, यही सब इसके बारे में बताया गया। चोल शासन है, चोल शासन स्थानीय स्वशासन के जनक माना गया है और स्थानीय स्वशासन से संबंधित आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की नींव के संबंधित इसका किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। तो पणि से संबंधित इसको हमें थोड़ा डिस्कस करना है। पणि, तो पणि का संबंध यहाँ पर डायरेक्ट होता था व्यापारी से। जो व्यापारी थे वो एक स्थान से दूर स्थान तक जाके वस्तुओं का क्रय विक्रय कर जो धन अर्जित करते थे, करने वाला जो वर्ग था उनको व्यापारी वर्ग कहा गया। और ऋग्वेद में ऐसे वर्ग को पणि कहा गया था, ठीक है। पुरोहित वर्ग जो होता वो होता था जो पूजा अर्चना से संबंधित था। लोहार वंश, लोहार जो थे वो लोहे का काम किया करते थे, और स्वर्णकार सोने के आभूषण से संबंधित कारीगर थे, कुशल कारीगर थे। ऋग्वेद में पणि था, यही सब था, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। पण का संबंध विनिमय से, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। चंड प्रणोद पिद्योत प्राणी प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि चंड प्रणोद जो थे वो किस गणराज्य के राजा थे या किस महाजनपद के राजा थे। तो हम जब देखते हैं तो ये सारी की सारी महाजनपदें हैं, 16 महाजनपदों का अध्ययन हमें देखने को मिलता है। कितनी महाजनपद थी? 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपदों में 4 जनपद हैं, इनके बारे में हमें बताना है। इनमें से किस प्राचीन गणराज्य के राजा चंड प्रद्योत थे। तो चूंकि जब हम अध्ययन करते तो हमें सीधा सीधा आंसर पता चलता है, इसके राजा थे अवंती के राजा थे चंड प्रणोद के बारे में कहा जाता है कि ये अवंती है, ये मगध है। तो जब चंड प्रणोद की तबीयत खराब यानी कि इनको पीलिया हुआ था एक बार, क्या हुआ था? पीलिया रोग। तो यहाँ के राजा बिंबसार ने, ठीक है,
तो अवंती के बारे में हमने